देखो आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है अपनी बॉडी में वो ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल एंजाइम आके उसको बना के चला जाता है। एक प्रोडक्ट को बनने के लिए बहुत सारी एंजाइमेटिक प्रोडक्ट से उसको गुजरना पड़ता है। जैसे कि अपने को अपनी बॉडी में पाइरूवेट ही बनाना है तो क्या ग्लूकोज से पाइरूवेट डायरेक्ट एक एंजाइम बना के चला जाता है? बहुत सारे उसको डायरेक्ट पाथवे से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाके 10वें स्टेप में जाके क्या होता है पाइरूवेट। ज़्यादातर पाए जाने वाले सब्सटेंस बहुत सारे इंटरमीडिएट सब्सटेंस के थ्रू बनते हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे कि सपोज करो अभी अपने को अमाइनो एसिड बनाना है, मान लो ट्रिप्टोफैन, तो क्या ऐसा होता है कि सिंपल स्टेप में कोई एंजाइम आके ट्रिप्टोफैन बना देता हूँ? ऐसा नहीं होता है ना। जैसे सिंथेसाइज करती है, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, सो अमाइनो एसिड चाहिए। वो सारी
सामान देना पड़ेगा इसको, ट्रिप्टोफैन देना पड़ेगा। अब ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 सीट चाहिए, और वो पांचों के पांचों सही होनी चाहिए या एक आध तो सही होनी चाहिए? पांचों की पांचों चीज सही होनी चाहिए, तब जाके ये व्यक्ति क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अगर जिनमें से किसी सिंगल जीन में भी क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा और ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन इसकी E1 जीन में म्यूटेशन हो गया, तो अब आपके पास इसको जिंदा रखने के कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? अगर आप चाहते हो कि अभी भी बैक्टीरिया जिंदा रहे, तो आप इसको ट्रिप्टोफैन दे दो, जिंदा रहेगा, रहेगा तो खड़ी चाहिए उसको, मतलब ये अच्छी तरह से। या फिर आप इसको एक डी सब्सटेंस दे दो तो जिंदा रहेगा, रहेगा, क्योंकि ये जीन तो नॉर्मल काम करती है, तो डी को किसमें चेंज कर देगी? अगर इसको आप सी देते हो तो जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि सी को डी में चेंज कर दिया जाएगा, डी को, क्योंकि ये जीन तो नॉर्मल है ना दोनों ही। अच्छा, अगर आप इसको बी देते हो तो जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा? अभी जिंदा रहेगा, क्योंकि बी से सी, सी से डी, डी से ही बना दिया जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल तीनों जीन तो नॉर्मल है ना। अगर आप इसको ए देते हो तब अभी भी जिंदा रहेगा, क्योंकि अभी ये सारे एंजाइम तो काम कर रहे हैं ना। अगर आप इसको पॉलीमरेज़ दे दो तब भी रहेगा, तब नहीं रहेगा, क्योंकि सीन में क्या हो गया है, धीरे तो जिंदा रहेगा, क्योंकि म्यूटेशन कौन सी जीन में हुआ है, इस जीन में हुआ है, इसके बाद वाला आप कोई सा भी दे दो जिंदा रहेगा। तो अगर इस जीन में हो जाए म्यूटेशन, तो एक म्यूटेशन इन E1 देन किसका एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा बॉडी में। अब पॉलीमरिक एसिड तो बनता रहेगा, लेकिन पॉलीमरिक एसिड आगे एक ही चीज में चेंज नहीं होगा, तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा, जमा होता रहेगा, क्योंकि इसको आगे कन्वर्ट करने वाला एंजाइम क्या हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है ही बॉडी में। तो अब इस कंडीशन में म्यूटेशन हो जाए E1 में, तो किसका एक्यूमुलेशन होगा, सबस्ट्रेट का वो काम करता था, उस सबस्ट्रेट का क्या होने लग जाएगा, एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, है ना। एक्यूमुलेशन और इसमें एसिड, लेकिन अभी भी बैक्टीरिया को जिंदा रखने के अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसको ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, या ट्रिप्टोफैन दे दो, अभी इन सब की प्रेजेंस में बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। सर्वाइव किसकी प्रेजेंस में करेगा, ए बी सी डी ई और ट्रिप्टोफैन। अगर हो जाए म्यूटेशन E2 में, अब इस ऐसे बैक्टीरिया को अपन बोल देते हैं M1 म्यूटेंट। कैसा बोला है इसको, M1 म्यूटेंट। इफ म्यूटेशन इन E2 देन किसका एक्टिवेशन होगा, तो उस कंडीशन में ओरिजिनल कैसेट तो ही बनाएगा, लेकिन ए या बी में चेंज, क्योंकि इसमें क्या हो चुका है, अब म्यूटेशन हो चुका है। अगर म्यूटेशन हो जाए E2 में, तो किसका एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ए, किस किस की प्रेजेंस में सर्वाइव करेगा, अभी भी सबको समझ आ रहा है। एक्यूमुलेशन किसका होगा, जिस पर काम करना था उसका एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। इफ म्यूटेशन, इसको बोलते हैं अपन M2 टाइप का म्यूटेंट। इफ म्यूटेशन इन E3 देन किसका एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन बी हो जाएगा, बी। सर्वाइव किसकी प्रेजेंस में करेगा, सी डी, मतलब धीरे धीरे ऑप्शन कम होते जा रहे हैं।
कभी खाई नहीं है पहले से? जेड की
किधर आएगा ये उस बात पे करेगा। अब ये टेबल सरोज कितने नंबर की है?
ये तरीका रहेगा सारी कोशिश को करने का। इसको मतलब आपको ये टेबल दी गई है, पहले आप मेरे को इनका एक्स वाई जेड का बताओ ऑर्डर क्या होगा। लास्ट तो प्रोडक्ट बनेगा, लास्ट में प्रोडक्ट बनता है। आप बताओ लास्ट में कौन आएगा, कौन आएगा बताओ। आप लोग और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको